देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है। महिलाओं के साथ यौन शोषण होने की बात कहने पर राहुल गांधी के यहाँ पुलिस पहुंचने की घटना को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मुख्य विपक्षी दल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वो मूल सवालों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है और इसलिए इस तरीके के कदम उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इसी बहाने अडानी मामला दब जाए, लेकिन हम इस मामले से जुड़े सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा बीजेपी राहुल गांधी को डराना चाहती है। इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज जो प्रैक्टिस की गई दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या लगता है वाले समय ऐसे ही होता रैली? नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से एक दिन पहले ही कहा था कि वो संसद के सत्र खत्म होने के बाद जानकारी देंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली पुलिस अगले ही दिन राहुल गांधी के घर फिर पहुंच गई? देखिए, 45 दिन पहले श्री राहुल गांधी जी ने कश्मीर में जो कहा उसको लेकर दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। 16 मार्च को दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर पहुंची नोटिस लेकर। राहुल गांधी जी ने कहा संसद चल रहा है, 10 दिन का समय दे दीजिए, मैं जवाब दूंगा। आज क्या मजबूरी थी कि रविवार 19 तारीख सुबह फिर दिल्ली पुलिस एक नोटिस लेकर पहुंच जाती है राहुल गांधी जी के घर? तो साफ है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से केंद्र के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है ताकि अडानी को बचा सके। अडानी पर जो मांग जेपीसी की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो बनी रहेगी। राहुल गांधी के यहाँ दिल्ली पुलिस के पहुंचने की घटना का कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल करना चाहती है। वो इसे इस रूप में प्रचारित कर रही है कि अडानी का मुद्दा उठाने के कारण राहुल गांधी को डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप खुद सुने कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में आखिर क्या कहा था। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है।